नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि नारद, आपको ज्ञात है अभी अभी यहां क्या हुआ है? हाँ मुझे ज्ञात है। हे पर्वतराज, जो सारे संसार की सुरक्षा करने में समर्थ हैं, आप उनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं? देवर्षि नारद, अभी अभी यहां एक राक्षस आया था, ऐसा मुझे इन दासियों ने बताया। नारायण नारायण। हे जगदम्बा, आपने अभी से अपनी लीला प्रारंभ कर दी। पर्वतराज, आपकी पुत्री तो साक्षात माता गौरी का रूप है, फिर उसके साथ आपकी दूसरी पुत्री गंगा है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। आपको इनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस बस महाराज, चाहे जो हो, जब तक मेरी पुत्री बड़ी नहीं होती, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। नारायण नारायण। महारानी, हमें देवर्षि नारद की बात का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी दासियों को कुछ भ्रम हुआ हो। नहीं महाराज, उन्हें कोई भ्रम नहीं हुआ। आज के पश्चात अपनी पुत्रियों को मैं उद्यान में नहीं भेजूंगी। ठीक है महारानी, आज के पश्चात महल के चारों और चारों पहर सैनिक पहरा देंगे। मैं आपको पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता हूँ। चलिए महारानी। चलिए। चलो। महाराज। महारानी, आइए महारानी संध्याचाय। स्वामी, दरबार की घटना से आप अभी तक चिंतित हैं? हाँ महारानी, चिंतित इसलिए नहीं हूं कि मुझे अपने एक सैनिक का वध करना पड़ा। मैं चिंतित इसलिए हूं कि असुर अंधक को इस दशा तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, एक नन्ही सी बालिका है, जिसके कारण मुझे अपना एक विश्वासपात्र सैनिक गंवाना पड़ा। महाराज, आप इस घटना को भूल क्यों नहीं जाते? जीवन और मरण का जो प्रश्न है, आप उस पर क्यों नहीं छोड़ देते, जिसने इस संसार की रचना की है? महारानी, आप इस समय बिल्कुल देवकन्याओं जैसी बातें कर रही हैं। महाराज, आप स्वयं क्या हैं? उस महान ऋषि कश्यप की संतान, जिनकी संतान इंद्र आदि देवता भी है। मत लो उन दुष्टों का नाम मेरे सामने, वे भ्राता नहीं शत्रु हैं। उन्होंने हम असुरों के साथ सदैव छल किया है। जो देवताओं का देवराज इंद्र कहलाता है, उसने अपने असुर भाइयों का कितनी बार वध करने का प्रयास किया है। महारानी, आप तो जानती हैं कि देवताओं और असुरों में किस बात का विरोध है। देवताओं और असुरों में विरोध है श्रेष्ठता का। वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं, और हम असुर भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। और जो भी हमारी श्रेष्ठता के मार्ग में बाधक बनेगा, उसे मैं समाप्त कर दूंगा। असुरों की समस्त बाधाएं समाप्त करने के लिए मेरा अमर होना अत्यंत आवश्यक है, और स्वयं को अमर रखने के लिए मुझे उस बालिका के बारे में विचार करना ही पड़ेगा। संकट उभरने से पहले ही उसे समाप्त करना होगा। स्वामी, आप इतने महान वीर होकर एक बालिका के वध की बात सोचते हैं? चुप रहिए महारानी संध्या, चुप हो जाइए। अपने प्रति हमारे स्नेह का अनुचित लाभ ना उठाइए। यदि इंद्र अपनी सौतेली माता के गर्भ में भी उसकी हत्या का प्रयास करता है, तो वो देवराज कहलाता है। और यदि मैं अपनी अमरता के मार्ग में आने वाली बाधा, यदि वो एक नन्ही बालिका है, उसे हटाता हूं, तो क्या मैं कायर कहलाऊंगा? नहीं नहीं महारानी, मैं अपने मार्ग में आने वाले उस कांटे को हटाने का
सदैव प्रयत्न करता रहूंगा, चाहे संसार मुझे कुछ भी क्यों ना कहे। मैं अतीत हूं। मैंने देखा कि तारकासुर ने पार्वती को मारने के अनेक प्रयास किए और हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। वो अपनी विफलता पर झुंझलाता रहा, फिर भी उसने हार न मानी। और इधर पर्वतराज और महारानी मेना अपनी पुत्री पार्वती की सुरक्षा के उपायों में लगे रहे। शक्ति का अवतार पार्वती पर्वतराज के स्नेह और महारानी मेना की ममता की छांव में पड़ी हो रही थी। और एक रात ये है गंगा, इसने अंधक जैसे भयानक राक्षस को अपनी मायावी शक्ति से ऐसा घायल किया कि उसे विवश होकर लौटना पड़ा और असुर सम्राट तारकासुर की क्रोधाग्नि में भस्म होना पड़ा। सबसे पहले मैं इसे समाप्त करता हूँ। क्या हो रहा है? Thank you.
कोई असुर चिल्ला रहा है। बच्ची को बचाइए महाराज, मेरी बच्ची को बचाइए महाराज। देखिए वो राक्षस उसे लिए जा रहा है। महाराज महाराज मेरी बच्ची को बचाइए महाराज। चलो। नहीं रोते नहीं पार्वती, चुप हो जाओ पार्वती, रोते नहीं पार्वती, पार्वती। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पार्वती तो यहाँ है, क्या हुआ बेटी? माते लगता है इसने कोई डरावना सपना देखा है। रो मत पार्वती, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। स्वामी ये सब क्या है? कुछ नहीं महारानी, कुछ नहीं, आप चिंता ना करें। वो अवश्य कोई मायावी था जो इस महल के चारों ओर अपना माया जाल फैलाना चाहता था, इसीलिए उसने हमें भ्रम में डाल दिया था। किंतु देवी परमेश्वरी की कृपा से वो सफल नहीं हो सका और भाग गया, इसीलिए हमारी पुत्री पार्वती सकुशल है। महारानी आपको ज्ञात है देवऋषि नारद ने क्या कहा था कि हमारी इस पुत्री पर देवी परमेश्वरी की अपार कृपा है, इस पर कोई संकट क्या आएगा? लेकिन स्वामी हमने जो कुछ देखा वो? महारानी हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी पुत्री पार्वती आपकी गोद में है, सकुशल है और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। हाँ स्वामी, हमारी पार्वती हमारी गोद में है और ये सकुशल है, इतना ही बहुत है। बस पुत्री बस, चुप हो जाओ। राजतारकासुर, मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, किंतु तुम उन मूर्खों में से हो जो इस सत्य से बचने के लिए दो निर्दोष जीवों की बलि चढ़ा चुके हो। अंधक और आतंक तुम्हारे ही कारण मृत्यु के मुख में चले गए। एक का वध तुमने अपने झूठे अभिमान के कारण किया और दूसरे का वध मैंने किया। हाँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि यदि तुमने अपना ये अभ्यास बंद ना किया तो तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सेना का एक एक वीर इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, फिर तुम अकेले रह जाओगे उस बालक के हाथों काल का ग्रास बनने के लिए, जो बालक अपनी 7 मास की आयु में तुम्हारा अंत करने वाला है। कौन हो तुम?
कौन हो? तुम्हारा काल। नहीं, संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे इस प्रयास को नहीं रोक सकती। मैं असंभव को संभव नहीं होने दूंगा। मैं शिव को सांसारिक बनाने वाली किसी भी शक्ति का विरोध करता रहूंगा। मेरे रहते शिव का विवाह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। गंगा, पार्वती, गंगा आओ बच्चों, आओ। प्रणाम प्रणाम। सदा सुखी रहो। देखो बच्चों, आज हम तुम्हारी कल्पना शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। देखते हैं कि इसमें कितनी कला है। हाँ? हाँ, हाँ। लो, आरंभ करो। मैं पर्वत बनाऊंगी। मैं घर बनाऊंगी। तुम क्या बनाओगी पार्वती? मुझे नहीं पता। देखो, बातें बनाना बंद करो। मिट्टी गीली है, जो भी बनाना है बना लो। सूख गई तो कुछ नहीं बना पाएंगे। बनाया है? मैंने घर बनाया है। सुंदर, अति सुंदर। पुत्री गंगा, तुमने क्या बनाया है? पिताश्री, मैंने पर्वत बनाया है। वाह, सचमुच कितना सुंदर पर्वत बनाया हमारी लाडली पुत्री ने। पर्वत की पुत्री पर्वत नहीं बनाएगी तो और क्या बनाएगी? सुंदर, अति सुंदर। पुत्री पार्वती, तुमने क्या बनाया है? पिताश्री, मैंने मूर्ति बनाई है, देखिए। अरे, ये तो भगवान शिव की मूर्ति बन गई। भगवान शिव की? हाँ, भगवान शिव की। क्या तुमने भगवान शिव को देखा है? नहीं तो? तो फिर तुमने ये मूर्ति कैसे बनाई? वही मुखमंडल, वही नेत्र, वही नासिका, ये सब कैसे किया तुमने? मुझे क्या पता पिताश्री, मैं तो बस मिट्टी को आकार देती गई। जैसा जैसा मेरे मन में आता गया, वैसा वैसा मैं बनाती गई। निराकार को आकार देती गई, साकार करती गई। और बन गई हमारे आराध्य देव भगवान शिव की मूर्ति। क्या भगवान शिव ऐसे हैं? हाँ पुत्री, बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये तो चमत्कार हो गया, शिव का रूप साकार हो गया। भला इस मूर्ति को देखकर कौन कह सकता है कि इसे 5 वर्षीय बालिका ने बनाया है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी परम भक्त ने अपने आराध्य को श्रद्धा और भक्ति से मूर्ति का रूप दे दिया हो। तू धन्य है, तू धन्य है पुत्री। तूने तो मुझे साक्षात शिव के दर्शन करा दिए।